गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास टू, दिस इज योर इंग्लिश ग्रामर बुक। टुडे आई विल गिव यू बुक वर्क ऑफ लेसन थ्री। बच्चों आज मैं बुक वर्क लेसन थ्री करूंगी, ठीक है। मैंने लेसन थ्री को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, और अब मैं आज आपको बुक वर्क दूंगी। एक्सरसाइज देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। टिक द राइट ऑप्शन, जो सही ऑप्शन होंगे उन पे आपको क्या करना है, टिक करना है। तो पहला क्या है, एवरी सेंटेंस हैज डैश पार्ट, तो क्या होगा यहाँ पे, टू पार्ट्स, तो इसलिए मैंने क्या किया है, टू पे टिक किया है, ठीक है। उसी तरह द सब्जेक्ट मे हैव डैश वर्ड्स स्लैश डैश वर्ड्स, ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, बोथ होगा, ठीक है, वन भी हो सकता है और मेनी भी हो सकता है सब्जेक्ट के पास वर्ड। What is said about the subject? What is said about the subject is called the noun, subject, predicate. तो क्या होगा यहाँ पे बच्चों, predicate होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी देखिए, divide the following sentences into subject and predicate. अब ये जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं उसको आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको पहला क्या दिया हुआ है, नेहा बॉट टू बुक्स, ठीक है, तो नेहा क्या है, सब्जेक्ट है, और बॉट टू बुक्स क्या है, प्रेडिकेट। उसी तरीके से सेकंड नंबर में क्या है, अ रैट सैट अंडर द टेबल, तो अ रैट क्या है, सब्जेक्ट है, और सैट अंडर द टेबल क्या है, प्रेडिकेट। थर्ड में उसी तरीके से, द बॉय इज माई ब्रदर, तो बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, और इज माई ब्रदर क्या है, प्रेडिकेट है। उसी तरीके से फोर्थ में भी है, द बॉयज प्ले क्रिकेट, द बॉयज क्या है आपका, सब्जेक्ट, और प्ले क्रिकेट क्या है, प्रेडिकेट। फिफ्थ में क्या है, हु गोज देयर, हु क्या है आपका, सब्जेक्ट, और गोज देयर, प्रेडिकेट। तो इस तरीके से आपको जो ये सेंटेंस है उसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी, राइट द सब्जेक्ट फॉर द फॉलोइंग प्रेडिकेट, ठीक है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भरना है, ठीक है, प्रेडिकेट तो आपका दिया हुआ है लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट भरना है। तो फर्स्ट में क्या है, डैश इज वेरी यंग, तो आप राम लिख सकते हैं, श्याम लिख सकते हैं, अनिल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो चीज क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। फिर वैसे ही सेकंड में, द डैश आर सिटिंग इन द पार्क, तो यहाँ क्या होगा, द बॉयज, द गर्ल्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, द बॉयज। थर्ड में क्या होगा, वे आर दिस डैश हैप्पी, पीपल मैंने लिखा है। फिर फोर्थ में वैसे ही, डैश इज नॉट इन द रूम, तो सीता राम कुछ भी हो सकता है, बस सब्जेक्ट वो होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे सीता मैंने दिया है। फिफ्थ में क्या होगा, डैश आर इन द पार्क्स, तो क्या होगा, डॉग्स। तो इस तरीके से ये आपका बुक वर्क आप देख सकते हैं, है एक्सरसाइज, ये आप कंप्लीट कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिएगा, मैं उसे चेक कर लूंगी। थैंक यू।